इस बार का एग्जाम है इसको आप किस रेटिंग से देख रहे हैं? तो सबसे पहली बार है कि संस्था के रूप में, व्यवस्था के रूप में इस बार मैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपके कटअप के बारे में बात कर रहा हूँ, और इस बार के एग्जामिनेशन का क्या स्कोरिंग रह सकता है और एग्जाम को मैंने कैसे प्रोसीड किया उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा। तो आपका एग्जाम इस बार जो है बिल्कुल मॉडरेट एग्जाम था, टफनेस वाला एग्जाम नहीं था, इसमें मॉडरेट एग्जाम की उम्मीद थी और उसी तरीके से एग्जाम पूछा गया। यूपीएससी के सेक्शन में कभी भी कोई सेक्शन रिपीट नहीं किया जाता, सिर्फ एक ट्रेंड रिपीट होता है, जैसे कि पॉसिबिलिटीज आना है इसमें, पैसेज आना है इसमें, क्लोज टेस्ट आना है इसमें, सिनोनिम एंटोनिम इस तरह के सेक्शन जो है सिर्फ रिपीट होते हैं, उनके टेक्स्ट बुक जैसे। कुछ पेपर के सेगमेंट होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, और कुछ होते हैं एवरेजिंग से लेकर इनके स्कोर्स को बनाए जाते हैं। सबसे पहले ध्यान देना है इसमें कि आपका एनडीए का जो पेपर था इसमें सेक्शनल कटऑफ से सिलेक्शन होता है, यानी कि तीन पेपर हैं आपके पास, मैथमेटिक्स पेपर है, इंग्लिश पेपर है, और आपका जीएटी में जीएस एंड साइंस पेपर है, तीन पेपर हैं आपके पास। तीनों पेपर में से आपकी मिनिमम स्कोरिंग जो है आपको 25% की मिनिमम स्कोरिंग माननी है। 25% एक बहुत ही सेफ साइड है, 22% के करीब कहा जाता है, 25% इसको लेके चलते। अब यहाँ पर 25% का जो स्लैब है, कभी कभी स्टूडेंट क्या होता है इस 25% को इसी को मान लेता है कि यही से मेरा सिलेक्शन होता है। तो सबसे पहले है सेक्शनल कट ऑफ में 25% होना है, और फिर उस पर मेरिट कितने पर बनेगा, ये दो बातें हैं जिसको समझ। तो हर एक पेपर में आपको 25% का मिनिमम स्कोरिंग करना है, जैसे कि मैथ्स में 25%, जैसे कि इंग्लिश में 25%। अगर 200 नंबर का मैथ्स इंग्लिश है आपका, तो 25 कितना हो, 50, बहुत बड़ा नहीं, 50 आराम से कर सकते हो। अगर आपका साइंस और जीएस अगर 400 मार्क्स का है तो 25 कितना हुआ, 100 हुआ ना। तो इस तरह से आपका 25% का मिनिमम स्कोरिंग होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं सेक्शनल कटअप, और उसके बाद आपकी स्कोरिंग जो मेरिट जो बनेगी आपकी, ये मेरिट जो है अराउंड 340 से लेकर 360 के बीच में जानी चाहिए, मॉडरेट है, पिछले बार वाले की तुलना में कोई बढ़िया कोई चमत्कार नहीं हो। कभी भी यूपीएससी एग्जाम को देकर किसी को भी इंसल्टिंग रिमार्क जैसे वर्डिंग, अरे बहुत आसान था ये, कभी नहीं होता। अगर ऐसा होता है इसमें तो यूपीएससी के एग्जाम में कभी भी 900 नंबर में से 350 कट ऑफ नहीं होता है ना। यू हैव टू रेस्पेक्ट एग्जामिनेशन, एक टेक्निक है इसका। यूपीएससी इंडिया का जो है ग्रेड वन एग्जामिनेशन कवर करता है, और इसलिए इसका रेस्पेक्ट है। कुछ चीजें ईजी है और कुछ चीजें उसके कंपेयर में थोड़ी सी टफर की जाती है। सो दैट द एग्जामिनेशन वॉज वेरी मॉडरेट, और उम्मीद करता हूँ उसमें कि आपने अपनी परफॉर्मेंस जो है एक एवरेजिंग में डिलीवर की हो। एक एवरेज परफॉर्मेंस क्या होती है इसमें, अगर मैथमेटिक्स में आपकी स्कोरिंग ज्यादा है तो हो सकता है जीएटी में या जीएस में थोड़ी सी कम, अगर मान लीजिए आपने इंग्लिश में ज्यादा किया है तो किसी में कम, ऐसे करके स्कोरिंग होती है। तो ना ही हार्ड था एग्जाम और ना ही ज्यादा ईजी था, तो इसलिए इसका एग्जाम का रिस्पेक्ट है, और इस रिस्पेक्ट को जो है पिछले मैं 20 सालों से डिलीवर कर रहा हूँ मैं कि किस तरह से हमें एग्जीक्यूट करना चाहिए। तो इस बार मेरा ऐसा मानना है इसमें कि 340 से लेकर 360 के बीच में इसका कट ऑफ रहेगा। इसमें आपने जिन्होंने भी इतनी स्कोरिंग की है इसके साथ सेक्शनल कट ऑफ 25% पर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वन इंग्लिश मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट टू इंग्लिश, और सब्जेक्ट थ्री आपका जो है वो आपका साइंस एंड जनरल स्टडीज है, इनको लेकर आपके तीन कट ऑफ आपके बनेंगे। तो 340 के बाद के स्टूडेंट जो है अपनी तैयारी लगभग जो है सेकेंड स्टेज यानी एसएसबी इंटरव्यूज के लिए शुरू कर सकते हैं। इसमें शुरू करने का पैरामीटर आपको रेगुलरली क्लास में बताया जाता है, ओएल क्यू पैरामीटर्स पे कुछ एक्टिविटीज हमने डिजाइन की है उसको आपको फॉलो करना होगा। अब एक व्यवस्था के रूप में मेरी जिम्मेदारी है कि ये व्यवस्था जो मैं चला रहा हूँ उसका स्ट्राइकिंग रेट क्या है। जनरली हमसे स्टूडेंट पूछते हैं सर कितने लड़के पास होते, मैं कहता हूँ 100% पास हो जाए। आपको बड़ा सरप्राइज होगा कि 100% सर ने ऐसे बोल दिया, ऐसे कोई मजाक है क्या इसमें। तो क्लास में एक्यूरेसी कितनी है, मैंने क्वेश्चंस का पेपर निकाला है, अभी मैंने सिर्फ ग्रामर के सेक्शंस को निकाला है क्योंकि ग्रामर में ही मैं आपको बता सकता हूँ। वर्ड मीनिंग तो इतने सारे हैं कि वर्ड मीनिंग को बोलना अपने आप में थोड़ी सी अलग बात हो जाएगी, यू कैन नॉट क्लेम द वर्ड मीनिंग, क्योंकि वर्ड मीनिंग हम देते तो है लेकिन याद आपका खुद करते हैं, तो आपका क्रेडिट है। तो किस बेसिस पर हमारे ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स बने हैं इसमें, और उसके बाद आपके जीएस के पेपर में जो अभी रिसेंट टॉपिक चल रहा था जिसका नाम है ज्योग्राफी, उसमें हमारा स्ट्राइकिंग रेट क्या था। तो मेरे हिसाब से जो है इंग्लिश में 80% का स्ट्राइकिंग रेट था आपका क्लास का, और जीएस में जो ज्योग्राफी था आपका उसमें 90% अप्रॉक्स का स्ट्राइकिंग रेट। आई एम टॉकिंग अबाउट यूपीएससी एग्जामिनेशन। तो इस स्ट्राइकिंग रेट को एक बार देख लेते हैं, जितने भी क्वेश्चन उस लेवल में थे मैंने उसको निकाले इसमें, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप अपने नोट्स के साथ बैठे होंगे और आप बोलेंगे हाँ ऐसा कुछ सुना था कि नहीं सुना था, ऐसे कुछ बातें हम करेंगे क्योंकि क्लास के हम बीच में बातें करें। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लास्ट से स्टार्ट करते हैं। दो देयर इज प्रोग्रेस फॉर डिफरेंट डायरेक्शंस, व्हाई देयर इज नो ब्रदरहुड क्वेश्चन मार्क।
तो प्रोग्रेस के बाद इन प्रिपरेशन आता है, ये तो एक बेसिक सा सेक्शन है, ये प्रिपरेशन का पार्ट था आपका, दो देयर इज प्रोग्रेस, प्रोग्रेस इन का मतलब होता है विकास करना। अब जरा इस क्वेश्चन को देखें, इसमें द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड फाउंडेशनल लिटरेसी एंड परस्यू ए ऑनेस्ट लाइवलीहुड। अब यहाँ पर जाहिर सी बात है ये आर्टिकल टॉपिक है, देखो मैंने इसमें लिखा हुआ है, इसमें एडजेक्टिव है इसमें और आर्टिकल का भी है इसमें, तो ऑनेस्ट वर्ड के साथ ए नहीं होता है, एन होता है। ये सेक्शन को आपको आर्टिकल में भी बताया जाता है और इसमें एडजेक्टिव में बताया जाता है, और ये पिछली बार एग्जाम में भी क्वेश्चन में था आपका, क्या आपको याद है? याद है आपको कि मैं आपको एग्जाम का पेपर पिछली बार दिखाऊँ उसमें ऑनेस्ट, ऑनेस्ट वर्ड जो है पिछली बार आपके एग्जाम में पूछा गया था, इस ऑनेस्ट वर्ड को कैसे पूछा गया था थोड़ा सा मैं आपको एक बार रिकॉल करूं, इसको थोड़ा सा मैं आपको होता क्या है, कभी कभी हम लोग पढ़ाई करते करते जो है एग्जाम के क्वेश्चंस भूल जाते हैं इसमें, जबकि इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जो है रेगुलरली होती है इसमें। अब तो थोड़ा सा स्मार्ट हमारे पास सेक्शन आ गया है जिसमें कि देखिए पॉसिबिलिटी पिछले 2022 का, 2022 का पेपर है आपका। अब देखिए पिछली बार ये जब क्वेश्चन करा रहा था मैं, तो ये ऑनेस्ट कहाँ से आया था और हम कैसे बात करें, एक ऑनेस्ट मिस्टेक इज नो मोर देन दैट जस्ट एन ऑनेस्ट मिस्टेक। मैंने आपको बताया था, देखिए एक ही आंसर में, एक ही सेंटेंस में दो आंसर आ गया, यहाँ पर एन ऑनेस्ट है और यहाँ पर ये वाला, इसी तरीके से बताया पेपर इसमें रखा हुआ, तभी तो बताया था मैंने आपको। तो जाहिर सी बात है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट ऑनेस्ट के साथ क्या लगता है इसमें, एंड, क्योंकि इसका प्रोनंसिएशन कैसे होता है, ओ से होता है, बबल साउंड होता है जो आर्टिकल में भी बोला जाता है, तो इस तरह के ये वाला सेक्शन भी जो है आपका पूरी तरह से क्लियर क्लियर। अब हमारे आते हैं यहाँ पर ऑनेस्ट हो गया हमारा इसमें, अब देखिए इसमें अ बर्ड इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बश, जो हाथ में आपके वही ठीक है, जो नहीं है उसके ऊपर क्लेम नहीं कर सकते, ये आपका प्रोवर्ब है और इस प्रोवर्ब में एरर नहीं है, तो प्रोवर्ब का आपको क्रेडिट नहीं देना, इसलिए मैं इस क्रेडिट को हटा दे रहा हूँ, ये प्रोवर्ब है आपका और प्रोवर्ब आपने लिखा होगा, इसका कोई क्रेडिट नहीं है, ये प्रोवर्ब सही है, नो एरर है। जहां जहां पर आपने काम किया था वो बता रहे हैं, इफ आई विल बी द मिलियनेयर आई वुड हेरिटेट प्रॉपर्टी फ्रॉम द कंट्री। सिंपल फ्यूचर टेंस में, यह हम मॉडल वर्ब में, मॉडल वर्ब का चैप्टर निकालेगा इसमें और सिंपल फ्यूचर टेंस में निकालेगा, एक सेंटेंस में दो मॉडल वर्ब नहीं हो सकते, क्या ऐसा सुना था आपने, दो नहीं हो सकते, विल भी आपका मॉडल और वुड भी आपका मॉडल, तो इसमें क्या करना चाहिए था, जहां पर कंडीशन लगा है उसको हटा, और कंडीशन इफ बिफोर टिल अंटिल होता है, एक वाले को हटा देना है, एक आई बी द मेरे, क्या मेरी बात सही है, ये सारी बातें हमने जो है आपके क्लास में की थी, आई मेंटेंस एक इंपॉर्टेंट बात, इफ यू हैव आस्क्ड मी फॉर द ट्रुथ आई वुड हैव टोल्ड यू फॉर दैट टाइम, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन आई मेंटेंस का, जो बिल्कुल एग्जाम से तीन दिन पहले ही मैंने किया था। अगर हम कंडीशनल सेंटेंसेस बताते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस, तो उसमें आई वुड हैव का पेयर किसके साथ बनता है, हैड के साथ, isn't it? आप देखिए इसमें एक वीडियो भी बना के आपको दिया हुआ है, तो काम क्या आंसर हो जाएगा, if I had, if you had asked me for that the truth I would have told, यानी कि पास्ट की कुछ ऐसी कंडीशनल सेंटेंसेस बताई जाए, अनफुलफिल्ड डिजायर बताए जाए, तो हैड प्लस वुड हैव का यूज किया जाए। अच्छा सही बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, लिखा होगा ना प्लस, देखिए टाइम एंड टेंशन ले लेते हैं इसमें, अमित टोल्ड टू दिव्या, नरेशन का नरेशन चला था ना आपका इसमें, अच्छा टोल्ड टू की जगह क्या होना चाहिए, सेड, और सेड टू की जगह क्या होता है, ऐसा लिखा था, 100% लिखा था इसमें, 100% लिखा था, नोटबुक देखिएगा उसमें। नेक्स्ट देखिए, दिस मॉन्यूमेंट हैपेंस टू बी वन ऑफ द ओल्ड मॉन्यूमेंट इन द सिटी, वन ऑफ द सेंस में बहुत क्वेश्चन था, सीरीज में भी क्वेश्चन वन ऑफ द सेंस था, वन ऑफ द के साथ वो का भी वर्ड आ सकता है, विच का भी आ सकता है और वन ऑफ द के लिए भी आ सकता है। जब हम वन ऑफ द का रूल पढ़ते हैं इसमें, तो उसके साथ हमेशा सब्जेक्ट क्या होता है, प्लूरल होता है। यहाँ पर हम देखेंगे इसमें ये प्रोनाउन चैप्टर, देखिए मैंने इसमें चैप्टर लिखा प्रोनाउन, आप जाके देखिएगा प्रोनाउन का चैप्टर है, और प्रोनाउन के चैप्टर में एक और प्रोनाउन है जिसमें पांच प्रोनाउन पढ़ने हैं आपको, दिस दैट दीस दोस इट, पांचों प्रोनाउन लिखिएगा, देखिएगा जरा। अब यहाँ पर देखिए कि दिस मॉन्यूमेंट हैपेंस to be one of the old monument in the city. अब यहाँ पर देखेंगे इसमें one of the old monuments होना चाहिए, plural होना चाहिए, one of the monuments होना चाहिए। ये one of the से related इस बार दो questions आपके दिए गए हैं।
तो वन ऑफ द के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट कैसा होता है, प्लूरल होता है। अब दोबारा देखें ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा। क्लास में हमने पढ़ा था इसमें कि मेरे स्टेशन से पहुंचने से पहले गाड़ी चलेगी, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट ठीक हो गया, ऐसे करके पढ़ा था। क्या कहा था मैंने, जो इवेंट पहले होगा पास्ट परफेक्ट में होगा, और जो बाद में होगा वो सिंपल पास्ट होगा। लेकिन इधर सोजिनी हैज मेट हर ओल्ड फ्रेंड गुरु बिफोर शी शिफ्टेड टू हैदराबाद टू ईयर्स। अब बताइए इसमें कि सुजीनी जो है अपने दोस्त से मिली बिफोर शी शिफ्टेड, वो हैदराबाद शिफ्ट होने से पहले मिली कि उसके बाद में मिली, सुजीनी पहले मिली कि बाद में मिली, पक्का है पहले? तो सुजीनी हैज मेट की जगह पर क्या होगा, हैड मेट होगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस तो परफेक्ट टेंस में आते हैं। जो घटना पहले हुई वो पास्ट परफेक्ट, और जो घटना बाद में हुई वो मेरे पहुंचने से पहले ट्रेन चली गई, द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर आई रीच्ड, द पेशेंट हैड रिकवर्ड बिफोर द डॉक्टर अराइव। ऐसे ही सेंटेंस तो पढ़े थे, यही सेंटेंस तो देखिए बिफोर वाला रहा है, यही पैटर्न तो है। रहीम वॉज वन ऑफ दैट, दोबारा वन ऑफ का यूज हुआ इसमें, वन ऑफ के बाद दैट यानी डिमोस्ट्रेट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है आपका, प्रोनाउन चैप्टर का इसमें। वन ऑफ के बाद क्या आएगा, प्लूरल सिंगुलर, प्लूरल आएगा। दिस दैट होता है सिंगुलर और दोस दीज होता है प्लूरल, तो जाहिर सी बात है दैट की जगह हो जाएगा दोस। चेक करिएगा नोटबुक में, मिलेगा। Our greatest glory is not never falling but in raising every time we fall. तो raising की जगह क्या हो जाएगा, rising हो जाएगा। तो इस section को अगर देखा जाए इसमें, तो इस section में अभी हम लोगों का striking rate जो है ये है 80%, हर बार 80% का striking rate है, और ये आपके notebook में लिखा हो। अब मैं बात कर रहा हूँ GS में हमारी striking rate, इससे भी ज्यादा 90% की स्ट्राइकिंग रेट है इस बार। तो मैं आपको अभी, आप कहेंगे सर एक टॉपिक क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारी मेमोरी अभी है ना, अभी हम जो क्लास कर रहे थे उसकी पुराने निकालूंगा तो बहुत सारे बच्चे भी नहीं हमारे पास। तो अभी मैं सिर्फ ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को निकाल रहा हूँ उसमें। आप सिर्फ मेरे को बताइए कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एंटी साइक्लोन्स, क्या हमने चक्रवात प्रति चक्रवात पढ़ाता है? चक्रवात जो होता है उसमें कम वायुदाब होता है प्रति चक्रवात, देखिए क्वेश्चन इसमें आया। दूसरा क्वेश्चन देखिए इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, भूपट्टी की प्रकृति भंगुर होती है, यानी कि अर्थ का जो लेयर है कितने में, क्रस्ट में, मेंटल में और कोर में। थोड़ा सा टाइगर में देख लेते हैं, ये हो गया हमारा क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, और ये कोर हो गया। देखने के लिए बताया मैंने कि कुछ लोग कॉल कर ले भाई ऐसा बोल रहे हैं, कुछ हैवी की ऐसी है। अब बताइए कि महाद्वीप कॉन्टिनेंट जो कि वैगनर का सिद्धांत 1912 में पढ़ा है, कॉन्टिनेंट कहां पर बना है, धरती के अंदर बना है ऊपर बना है? ऊपर ही तो बनेगा ना, धरती के नीचे थोड़ा कॉन्टिनेंट बनाएगा, कॉन्टिनेंट बनाएगा तो टूटा तो होगा ना, तभी तो कॉन्टिनेंट बना है। तो जाहिर सवाल था अगर इस सभी में टूटने की बात की जाए तो कौन टूट सकता है, क्रस्ट टूटेगा। तो क्या लिख रहे हैं इसमें, भूपट्टी की प्रकृति भंगुर होती है जाकर देखिए, और इसको टूटने के लिए मैंने रीजन क्या बताया था इसमें, इसको बताया था सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल, सन का फोर्स जो है और धरती का अपना सेंट्रीफ्यूगल, और इन दोनों ही फोर्सेस के कारण धरती के जो क्रस्ट है वो टूटा। आप कहेंगे सर कैसे टूट जा सकता है, कोई मजाक है क्या इसमें, मजाक नहीं है इसमें। धरती का स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले ये है सियाल, ये है सीमा, और ये है नीचे, पढ़ता कि नहीं पढ़ता? तो भाई सियाल जो है वो लाइटेस्ट एलिमेंट है, और नीचे उसका हार्डर एलिमेंट है, और सबसे नीचे हार्डेस्ट है, इसकी डेंसिटी सबसे कम है, लगभग 2.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर देखिएगा मिल जाएगा इसमें, और नीचे वाला कितना 14.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर है। तो जाहिर सी बात है जो लाइटेस्ट होगी वही तो टूटेगा, तो क्रस्ट जो है क्षण भंगुर है। ये देखिए कंसेप्ट का क्वेश्चन है पूरा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लगातार दो क्वेश्चन आ गए इसमें। अब शैलों के बारे में बात करते हैं इसमें, रॉक्स के टाइप, रॉक्स कितने टाइप के होते हैं, इग्नियस रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक और सेडिमेंटरी रॉक। इसके बारे में कहानी लिखी है, जरा ध्यान से देखेंगे तो आपको
वो चीज पता चल जाएगी। एक और क्वेश्चन था, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था इसमें, जो कि हमने चर्चा किया था इसमें, ये वर्ड मैंने लिखवाया था इसमें, कि धरती के अंदर जो है मैग्मा लावा जो होता है वो मूव करता है, जैसे कि हमारे शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स में ब्लड फ्लो करता है, और धरती के अंदर जो है ये प्लेटों के अंदर का जो है मूवमेंट डिसाइड करता है, और यही मोहविक मूवमेंट जो होता है वो धरती के अंदर तीन तरह के वेव्स को जनरेट करता है। आपने वेव्स तरफ लिखा होगा, धरती में कितने वेव्स होते हैं, प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव्स और एल वेव्स, बी वेव्स, एस वेव्स एंड एल वेव्स, तीन वेव लिखे होंगे इस पर। ये भी क्वेश्चन सीरियस में पूछा था इसमें, तो उसी के कारण जो है मोरोबिक मूवमेंट करके क्वेश्चन आया था इसमें। अब आप देखेंगे इसमें अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, सब मैंने जितने ज्योग्राफी क्वेश्चन है आप लोग सभी लोग देखिए इसमें, इससे सारे क्वेश्चन नहीं होते। यदि आप अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा के बाद पूर्व की ओर उड़ान भरते हैं तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ यू आर फ्लाइंग ईस्ट अक्रॉस इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन का कंसेप्ट हमने कैसे पढ़ा था आपको याद होना चाहिए इसमें, इंटरनेशनल डेट लाइन है धरती को 0 डिग्री यहाँ पर ईस्ट है, और यहाँ पर 180 डिग्री को ये वेस्ट कहते हैं, और इसको 180 डिग्री को अगर हम यहाँ से यहाँ जाएंगे तो ईस्ट की तरफ जाएंगे तो दिन घटेगा बढ़ेगा, ऐसा डायग्राम बनाए थे कि नहीं बनाए, 100% डायग्राम, और इसके ऊपर क्वेश्चंस भी किए थे, वही क्वेश्चंस आपके दिमाग में आपके रहने चाहिए। दूसरा देखेंगे इसको ध्यान से देख लीजिए, मैं कैमरे पे बात कर रहा हूँ आपका, इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कौन कौन से हमने लाइन पढ़ी है ध्यान रखेंगे। धरती के ऊपर जो है कुछ ऐसी काल्पनिक रेखा होती है जिसको हमेशा पढ़ना होता है, इस धरती को हम ऐसा बना रहे हैं, 0 डिग्री को इक्वेटर कहते हैं, इस 23.5 डिग्री को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ, सही बात है, और इस 0 डिग्री को क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन मध्यांतर, सही बात है, ग्रीनविच से गुजरती है कि नहीं गुजरती, अब कितने देशों से गुजरती है देखिए, लिखा देखिए जाके लिखा था इसमें कि कितने देशों से गुजरती है इसमें, डज नॉट पासेस थ्रू दिस, तो मोरक्को से नहीं गुजरती है इसमें, बाकी सबसे गुजरती है, जाके देखिए लिखा था। इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है क्लास से पहले एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले क्या रेलवे जोन हमने पढ़ा था, रेलवे जोन में जितने भी जोन हमने लिखा है देखिए उसी में से क्वेश्चन है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि देखिए ये मैंने कुछ चमत्कार किया, मैंने ये कहा कि क्लास का विजन स्ट्राइकिंग रेट देखिए क्या है, जो चीज लेके चल रहे हैं उसी चीज के अंदर में एग्जाम का क्वेश्चन कवर हो, दैट इज नोन एज स्ट्राइकिंग रेट। आप कितना बड़ा सिलेबस है आपका, सिलेबस में कौन कौन सी चीजों को महत्व दे रहे हैं, देखिए रेलवे जोन आ गया, अभी मैंने कुछ देर पहले कहा था धरती में कितनी वेव्स होती हैं, कौन कौन सी, एक धरती के ऊपर और एक धरती के पूरे अंदर जाती है और एक सिर्फ सॉलिड जगह पर जाती है, धरती के पूरे उसमें जाने वाली पी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, ये सेकेंडरी वेव्स, इसको एल वेव्स कहते हैं, जाकर देखिए आराम से मिलेगा, 3 वेव्स चलती है और सबसे खतरनाक वेव्स होती है एल, क्योंकि इससे भूकंप आते हैं, धरती के सतह पर लोग गिर जाते हैं। देखिए आपसे पूछा भूकंप के तरंगे के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, भूकंप किससे आ रहा है, इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन दिए गए। राष्ट्रीय राजमार्गों के ऊपर बात कर रहे हैं, हमने लास्ट के क्लासेस में नेशनल हाईवे का सेक्शन पढ़ा था, और नेशनल हाईवे से रिलेटेड भी जो है इस बार का क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन, तो आप सोचिए इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था ज्योग्राफी का जो लगभग आपने उसके बारे में क्लास में चर्चा नहीं की।